गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों क्लास 10 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के का एक क्वेश्चन जो सर्कल से रिलेटेड है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आते रहते हैं, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे समझे। इसमें दिया हुआ क्या है, इफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी है जो जिसका डायमेंशन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर है जिसका रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर। इसमें फिगर जो है आपको नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, ये आपको समझाना उससे भी बनाना होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो बी ए सी है इसका एरिया आपको निकालना है, तो आप पहले इसमें कुछ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी करना होगा, जैसे ट्रायंगल, जैसे ले लो ट्रायंगल बी ओ ओ ए, बी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ ए, ये दोनों जो है आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन से साइड 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 से, क्योंकि इसमें OB बराबर OB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, OB इक्वल टू OC है, OB इक्वल टू OC, फिर BA, BA जो है वो इक्वल है किसके, AC के, और उसके बाद दिया हुआ है AO जो है AO इक्वल टू AO इक्वल टू हो गया OA, ये कॉमन हो गया। तो ये साइड 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 से ये जो है ट्रायंगल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। अब कहोगे आप ये करने के पीछे लॉजिक क्या है, तो इसमें हमको ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इस तरह से सीपीसीटी से मेरा इक्वल आ गया, मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए एंगल बी ए ओ, बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, कौन से प्रॉपर्टी से, सीपीसीटी से ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये जब दोनों इक्वल हो गया, उसके बाद आप ले लो ट्रायंगल, दूसरा जो कंडीशन है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीएम, ए बी एम एंड ट्रायंगल एसीएम, इस दोनों को भी हमको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, तो इसी के लिए हमने पहले ये एंगल को प्रूफ किया है। तो इसमें आपको पहला दिया हुआ क्या है, ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, फिर एंगल बी ए, बी ए ओ और बी ए एम, बात बराबर ही है, मान लीजिए बी ए आएगा यहाँ तक हो गया, बी एम लेंगे तो हम वहीं तक होगा, दोनों एक ही एंगल है, एंगल बी ए एम और एंगल सी ए एम, ये हो गया, और एम बराबर, एम बराबर जो है वो एम, फिर ये ट्रायंगल बी, ट्रायंगल बी ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए एम, आपको साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब इसमें हमको ये कॉन्ग्रुएंट करने के पीछे लॉजिक क्या मिला है, से ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंगल ए बी ए एम बी
इक्वल टू एंगल ए एम पी। सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो गया। अब जब सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो गया तो आप ये देख लो से ये दोनों का सम भी क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री भी हो जाएगा। तो एंगल ए एम बी प्लस ए एम सी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए हम किसी को लिख देते हैं टू एंगल ए एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए एम बी ये आपका हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। ये आपका आ गया 90 डिग्री। अब इसमें हमको ये 90 डिग्री जब निकल गया तो ये कंडीशन हमको क्या बता रहा है से ये जब 90 डिग्री ये बना रहा है तो वो जो रेडियस है वो इसको और इसको क्या करेगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट भी होगा। तो अगर हम एम सी निकाल लें या बी एम निकाल लें तो उसका डबल कर देंगे तो बी सी निकल जाएगा, और तो ये बी सी ये मेरा बेस हो जाएगा और एम मालूम हो जाएगा तो वो हाइट हो जाएगा। तो अब हमको इसमें करना क्या है, अब आप इन ट्रायंगल एम सी और ई एम ओ या फिर ए बी एम या ओ बी एम, माने या तो आप इस साइड के दो ट्रायंगल में ले लो या फिर इस साइड के दो ट्रायंगल में ले लो। अगर हम एम को आप इस तरह से इसको समझो से अगर हम एम को लेते हैं एक्स, क्योंकि वही मेरा हाइट बनेगा, तो एम अगर एम अगर मेरा एम को अगर हम मान लेते हैं एम इक्वल टू एम अगर एक्स हो गया तो ओए पूरा क्या है, रेडियस है, तो ओएम आपका क्या हो जाएगा, ओएम हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी में एम सी कॉमन है और वो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एम सी एम सी स्क्वायर, मतलब इसको आप बेस कहो या परपेंडिकुलर कहो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 36 माइनस x स्क्वायर। ओके, ये दूसरा ट्रायंगल जो है इन ट्रायंगल MOC में फिर से अगर MC स्क्वायर बराबर वो आपका क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिखो 81 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, 81 माइनस 81 प्लस 18x माइनस x स्क्वायर, ये से ये कट गया। अब ये जो दो बचा एम सी स्क्वायर दोनों में हम कंपेयर हम करेंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, बस एम सी स्क्वायर को दोनों में कंपेयर करना है। तो
अब आप यहाँ पे ये ले लो, जैसे पहला क्या है 36, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 36 बाय 18, इसका वैल्यू आपको आ गया 2। अब हमको करना क्या है, OM जो है यहाँ पे OM का, अब AM का वैल्यू, AM आपका आ गया 2, तो AM मेरा क्या था वहां पे, AM मेरा हाइट था, AM आपका आ गया 2 और OM आपका आ गया कितना 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में MC स्क्वायर बराबर आप डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में MC स्क्वायर बराबर 36 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 36 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको 32। तो MC इक्वल टू क्या हो गया, √32 इक्वल टू 2 रूट, अगर इसको हम निकालते हैं तो 16√2, तो 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4√2। अब MC का ही आप इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों ने सर्किल में देखा था कि MC का डबल क्या है, BC है। ये मेरा जो BC है, अगर BC को हम फाइंड आउट कर ले, तो MC अगर 4√2 हो गया तो BC 8√2 और AM मेरा क्या आ गया 2। तो इस तरह से हमको जो है एरिया अगर निकालना है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया इक्वल टू डायरेक्ट एरिया इक्वल टू हाफ 4√2 का डबल क्या हो गया 8√2 और हाइट मेरा क्या आ गया 2। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल करो, यहाँ पे 8√2 जो है हमारा वो आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है